हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 9 और हम हैं दिल्ली में, जो कि आए हैं इवेंट के लिए जो कि दिल्ली में होने वाला है, और उसी के लिए हम आए हुए हैं दिल्ली में। तो वहां पर जो लोग आ रहे हैं, बहुत सही लोग आ रहे हैं, तो देखते हैं आज के ब्लॉग में आपको हम कितना एंटरटेन कर पाते हैं और क्या दिखा पाते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। बाकी सब लोग सोए हुए हैं बहुत तगड़े, क्योंकि रात के 3 बजे हम यहाँ पहुँचे थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, रात मिनिमम 4.5 घंटे में हम मुरादाबाद से दिल्ली लगे हैं, 4.5 घंटे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग किस तरीके से सोए हुए हैं, दोनों के दोनों, और एक हमारे धीरज भैया। ये नाजिम सोया हुआ है, बराबर में धीरज भैया सो रहे हैं, और जैन जो है वो सेकंड वाले रूम में है। और बस हम निकलते हुए, चलो बे, चलो लौंडो। और हम पहुंच चुके हैं पूल में। ये हमारे धीरज भैया, मिस्टर जैन सैफी, नाजिम सैफी। नाजिम और जैन कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि अंदर क्या करना है, थोड़े नर्वस दिख रहे हैं, क्योंकि मैं भी नर्वस हूं। और हमारे धीरज भैया जो हैं थोड़ी बात कर रहे हैं इनसे, पता नहीं क्या बातें हो रही हैं। यूजर बिफोर वर्सेस आफ्टर 31 मार्च बिकेम वायरल विद ओवर 100,000 व्यूज विद इन 2 डेज। देयर रीसेंट वीडियो ऑन पबजी वाज आल्सो अ हिट एंड इट केप्ट ऑन ट्रेंडिंग फॉर मेनी डेज। एवरीबॉडी इन द हाउस मे बी पुट ऑल देयर हैंड्स अप इन द एयर as I present to you Round to Hell, ladies and gentlemen, Zion Vaseem and Nazim for the next panel discussion. We need a round of applause for these guys. So guys, aapke number 6.2 million subscribers, 485 million views on your channel. और पहला रिएक्शन क्या है? ये नंबर्स आपके सामने आते हैं, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। और आप बहुत हार्ड, कभी आपने चैनल चालू किया था? आपने कोई ऐसे इमेजिन किया था कि आपका इतना ग्रोथ होगा? नहीं, हमने अभी कभी सोचा नहीं था, बट मेहनत की और आगे बढ़ते चले गए। तो आज ये मुकाम है, हम यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे लोगों के बीच बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नाइस नाइस। और सो स्पेसिफिकली आप इन्होंने फाउंड किया था ग्रुप, राइट? हाँ, तीनों। तो राउंड टू हेल का मतलब क्या है? राउंड टू हेल का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग नहीं है, ऐसी माइंड में आया था तो कर दिया। कर दिया अभी मीनिंग, मीनिंग में रखा गया है, अंदर जो कंटेंट है वो है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इट्स अ कैची नेम, नेम इज लाइक यू व्हेन पीपल से राउंड टू हेल, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट्स कैची। द कोई फिलॉसफी नहीं था कि इसे डिसाइड कैसे किया? आप लोग आपस में बैठ रहे थे? असल में हुआ क्या था, एक बार हम तीनों एक कार में थे, जो कि ड्रिफ्ट करते ना लड़के लोग, नए नए जवानी टाइप का। कोई लड़कियां थी क्या इंप्रेस कर रहे थे आप? नहीं, लड़कियां नहीं थी, खाली ऐसा जगह थी, बस वहां पे ड्रिफ्ट करने का शौक हुआ था शुरू में। तो ड्रिफ्ट की मैंने, ये दोनों लोग बैठे थे कार में, तो जो वीडियो शूट कर रहा था बंदा, उसने वीडियो शूट कर ली। तो वीडियो शूट करने के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, तो इंग्लिश इतनी आती नहीं थी तब भी, अभी भी नहीं आती। तो हुआ क्या, कुछ वर्ड नहीं मिल रहा था ऐसे उस पर लिखने के लिए, तो मैंने वैसे कि यार राउंड टू हेल, क्योंकि ऐसा लगा एक गोल गोल सा राउंड हेल जहन्नुम बन जाता अगर पलट जाती तो। और तुझे तो अभी माहौल घर पे थोड़ा चेंज हो गया है, और क्या मतलब, पता मुझे पता है घर पे तो सब नॉर्मल है, लेकिन घर जब घर के बाहर जाते हो, आपके जो नेबर्स हैं, आपके दोस्त हैं, स्पेशली और स्कूल फ्रेंड्स, आपको मिलके कुछ मतलब हैज थिंग चेंज दैट वे? और बहुत चेंज है, और चेंज है। आप एग्जांपल दे सकते हो? पहले लोग बोलते थे कि क्या कर रहे हो, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, तुम काम करो, पढ़ो, आगे बढ़ो, बट अब जो है सब चेंज है। तो आप कहते हैं यार वो वीडियो कब आ रही है, अगली वीडियो कब आ रही है, तो बस यही चेंज है। नाइस। और आप
बेसिकली मतलब चेंज है वो फैमिली में था। फैमिली पहले बोलती थी क्यों बना कर दी, अब बोलती बना भी नहीं रहा। तो जब आप आपकी फैमिली, I'm sure that आपकी फैमिली मेंबर्स जो समझ, उनको समझ नहीं आता क्या YouTube पर वीडियो बना रही, क्योंकि वो मतलब है नहीं YouTube पर, तो आप उनको कैसे एक्सप्लेन करते हो? नहीं, शुरू में करना पड़ा था कि YouTube भी एक प्लेटफॉर्म है। अभी क्या है, सबको समझ में आ गया, अभी इतना समझ में आ गया कि मोहल्ले में दो तीन चैनल हैं, जिधर निकल जाओ एक चैनल तो है YouTube पर। पहले किसी को इतना पता नहीं था कि YouTube है क्या है एग्जैक्टली, तो अभी तो बहुत ज़्यादा समझ में आ गया लोगों को। जिंदा सिंह है। तो अभी अभी आपको टेंशन होता है लड़कियों से, टेंशन होता ज़्यादा जैसे कंपेयर टू लड़के एक साल पहले और अभी? नहीं, एक अच्छी बात है हमारे ग्रुप में कि कभी भी जब चैनल बनाया था तो सोचा था कि यार इससे ना कोई फायदा नहीं उठाना चाहिए, गलत या कुछ लड़की हैं आते हैं मैसेज, लड़कियों से बात करना गलत चीज़ है। नहीं वैसे दूसरे तरह से मतलब तो बता रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड बना लिया दूसरी, अगर फेम है तो वो नहीं है। तो सबसे सबसे लाइक बेस्ट चीज क्या है, अभी आप का 6.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं अभी आप, लाइक व्हाट इज द नंबर वन थिंग गलत चीज लाइक सबसे चेंज जो आया है कंपेयर टू लेट्स से 20 मंथ्स अगो, तो अभी सबसे नंबर वन चेंज क्या लाइक अभी थोड़ा सिस्टमैटिक हो गया, जैसे आप क्रिएट करते हो अपना कॉन्टेंट थोड़ा सिस्टम आ गया कि ऐसे ही मतलब? सिस्टम तो अभी तक कुछ नहीं आया, जो पहले स्टार्टिंग में था सेम हो रहा था, स्क्रिप्ट वगैरह भी ऐसे लिखते थे जैसे स्टार्टिंग में लिखते थे और आज भी। ओके, तो अभी वैसे अभी फन, अभी फन हो रहा है कि अभी थोड़ा सीरियस हो गया? अभी फन है, अभी फन है। ओके, गुड गुड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं सोचता हूं कि जैसे हम हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाते हैं वो फन रिड्यूस हो जाता है और प्रेशर बढ़ता जाता है। प्रेशर तो है हो जाता है हर वीडियो पर, हर वीडियो पर, क्योंकि सोचते हैं कि जो वीडियो 15 मिलियन की तो अगली 20 होनी चाहिए। ओके, तो क्या आप बोलेंगे व्हाट परसेंटेज लक इसमें इन्वॉल्व है जो आपके इतने सारे सब्सक्राइबर्स, लक की क्या परसेंटेज है? क्योंकि बाहर जो लोग देखते बोलते हैं ये तो ऐसे ही हो गया, करेक्ट, तो उनको समझ नहीं आता कि कितना हार्डवर्क तो जरूरत है, लेकिन लक का क्या परसेंटेज है? लक तो है पर मेहनत भी बहुत थी। लक तो चलता ही है, थोड़ा लक होता है, थोड़ा हार्डवर्क होता है और सब चीज़ होती है, क्योंकि आदमी हवा से ही, हवा में ही उड़ के ऊपर नहीं पहुँचता, बहुत हार्डवर्क करके ही ऊपर आता है। और वैसे रेसिपी बनाने के लिए नमक मिर्च ये सब चाहिए होता है ना, तो लक भी चाहिए। Absolutely, yeah. और यू नो नाउ दैट लाइक यू गाइस सिर्फ तीन हो, यू गाइस पूरी यूनिट बन गई आपकी, पूरी कंपनी बन गई, कि इट जस्ट फ्री टाइम एडिट कौन करता है आपकी वीडियोस और आप बनाते हो कैसे? स्टार्टिंग में नाजिम एडिट करता था। ओके, अभी क्या था कि काम को इतना स्क्रिप्ट पे इतना ध्यान देने लगे कि इसको भी टाइम नहीं मिलता था फिर एडिटिंग का, तो अभी एक एडिटर रखा है, वो भी घर का बंदा है, कोई यहाँ से प्रोफेशनल एडिटर नहीं है। अच्छा, और जो कैमरामैन है वो भी घर का बंदा है, तो कजिन है अभी भी, मतलब टीम नहीं बढ़ाई है, कंटेंट को बढ़ाने की सोच रहे हैं। सो मतलब मैं समझ रहा हूँ, आप ऑब्वियसली दोस्त हो, आपकी फिलॉसफी है कि हम दोस्तों के साथ ही काम करोगे कि सिर्फ कंपनी बनाना है जो हम हायर करेंगे, लोगों के सीवीज पढ़ेंगे ऐसे, कि आपको सिर्फ थोड़ा फ्रेंडशिप सर्कल में रखना है? विच इज काइंड ऑफ नाइस बाय द वे। करेंगे, चेंज कर रहे हैं या चेंज तो लाना ही। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पहला ऐसा इवेंट था जो कि बिजनेस से रिलेटेड था, जो कि हमने आज तक ऐसा कोई इवेंट करा नहीं था। वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आई थी जो कि कुछ इंडिया की थी कुछ बाहर की थी, जो कि ढूंढ रहे थे अपना स्पॉन्सर के किस पर पैसा इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा, क्योंकि आज के ज़माने में कोई नहीं चाहता कि उनका पैसा डूबे। तो वहाँ पर आई होप उन लोगों ने देखा होगा कि किस पर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो चीज़ हमें पता चलेगी आगे चलकर, क्योंकि 2019 में उनका टारगेट था अपनी कंपनी इंडिया में लॉन्च करने का। तो देखते हैं क्या होता है, वो तो हमें बाद में पता चलेगा, जब तक पता चलता है इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। और याद से बेल आइकन भी जरूर दबा दें। तो आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।